इनके प्यार का बड़ा शुक्रिया जो इन्होंने प्यार का इजहार किया मेरे साथ। अब कोई हमें 2% इज्जत देता है, हम उसको 100% इज्जत देते हैं। मैं तो ये खुद परदेसी हो गया उनके साथ ही मिलकर साथ साथ। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे शाहिद साहब, बेरिया टाउन। आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। कॉन्ग्रेट्स ऑन योर बिग डे सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा और आपको वेलकम करेगा और थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज की जो गैदरिंग थी वो उनको अप्रिशिएट भी करना था और उनकी क्योंकि जन्मदिन था, उनकी सालगिरह थी, तो उनकी सालगिरह को भी जारी बात है सेलिब्रेट करना था। कि जो मैसेज उन्होंने आज दिया मेमन कम्युनिटी के लिए, जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए और उनको यूनाइटेड करने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खुशहाल बात है और इस किस्म की गैदरिंग करने का मकसद भी यही होता है। आज का मेन मकसद था कि एक रिलेशनशिप जोड़ें, 10 साल हो गए हैं, 20 30 साल 50 साल और गुजरेंगे, यू नो, उन लोगों को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है। कराची का बच्चा जब आज बेरिया टाउन जाके देखता है तो वो कहता है कि यार वाओ, हमारे मुल्क में भी और हमारे शहर में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इरफान परदेसी और फरहान परदेसी को मुबारकबाद दूंगा कि इस तरीके के इन्होंने इवेंट किए हैं और जो मेमन के कम्युनिटी को गैदर किया है, तो मैं इनको खास मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इस तरह की गैदरिंग होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, शाहिद कुरैशी कंट्री हेड बेरिया टाउन आया हुआ था। अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक नोहाव मिली है कि हम कोई ऐसी एक जगह लें बेरिया टाउन में जो हम मेमनों को भी आबाद कर सकें, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। वी कंग्रेचुलेट हिम कि वो इसी तरह अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है कामयाबी हो। उन्हें आज शाहिद कुरैशी साहब को जो है कंट्री हेड हैं जो बहरिया टाउन के, उन्हें भी मदु किया था, हमें भी बुलाया, हमें इज्जत बख्शी, सब दोस्तों को जमा किया। आई विश हिम ऑल द सक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ लाइफस्टाइल FPCCI। जिस तरह परदेसी ग्रुप की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तामीरात की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। मैंने ये प्रूव भी किया कि हम वो बिज़नेस के नाते नहीं, हमारा सारा सिस्टम चलता है, हमारा एक फैमिली सिस्टम है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह परवान चढ़ता रहेगा, चाहे वो मेहमान हैं, गुजराती हैं, जो भी हैं, हम सारे एक ही फैमिली से हैं। है शाहिद साहब को कि वो आज हमारे ऑफिस आए, यहाँ पे उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की केक कटिंग हुई है। इसके पीछे हमारा एक मोटिवेशन ये था कि हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि देखें, कोई भी किसी भी किस्म का कराची में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मेमन कम्युनिटी के अलावा हो सके। मेमन कम्युनिटी एक ऐसी जमात है कि जिसके अलावा आपके पिलर्स खड़े हो ही नहीं सकते। यू नो, आप लोगों को अली, आई से दिस वंस अगेन टू यू, यू नो, हम लोग बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं व्हेन इट कम्स टू मीडिया। जाना पड़ता है मुझे कुछ जगहों पर, कुछ स्टेजेस पर, मगर हम अपने ऑफिसेस के अंदर, हमारा माहौल के अंदर, हम
यू नो यू आर वन पर्सन हु इज ऑलवेज इनवाइटेड, आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप हमेशा आते भी रहें और मुझे खुद को भी मज़ा आता है कि यू नो पिछली दफ़ा जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस इंटरव्यू को किस तरह मेरी खालाओं ने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यू नो हाउ द रीच हैज़ गॉन। यार जब आप ये बोलते हो ना कि आपका अपना दी मेमन टीवी, तो मैं बाय गॉड आपको कहूँगा कि वाकई मेरा ये अपना चैनल है और मुझे बहुत खुशी होती है। अली देखें आपने बहुत मेहनत की है, इस पर कोई शक नहीं है, और आपकी टीम माशाल्लाह देखें, जब आप ऊपर से कंट्रोल अच्छा रहेगा ना तो फिर नीचे ग्रास रूट तक वो कंट्रोल जाएगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे प्रोग्राम्स में आपको रिस्पेक्ट, इज्जत और प्यार बढ़ रहा है आपका, वो इसलिए बढ़ रहा है कि आप मेमन कम्युनिटी को, उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हो। तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, हम आपके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े, आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। फसीलाए आतिशो आहा बहुत बुलंद ही सही, फसीलाए आतिशो आहा बहुत बुलंद ही सही, मगर हयात की ललकार को कौन रोकेगा। और ये बुलंदी की परवाजों को रोकने वालों, इन नौजवानों की परवाज को कौन रोकेगा।